दिन तो बहुत बेकार सा लग रहा है भाई। ढोलकी के जब घर से पिछवाड़े पे लात मार के निकाला जाता है ना, तो दिन ऐसा ही जाता है। क्या बात कर रहे हो? लेकिन मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। ना गजनी की औलाद, तुझे तेरे बाप ने घर से पिछवाड़े पे लात मार के 2 साल पहले निकाल दिया था। भूल क्यों जाता बार-बार? क्या करूं भाओ, जब से ये सदमा लगा है ना, तब से कुछ याद ही नहीं रहता। चल कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, आएगा तेरा भी दिन आएगा। कॉल किसका आ गया यार? हाँ बोल भाई। क्या साढ़े जल्दी बोल रहा है कि नहीं? अरे गुरु जी, हमने उसे पकड़ लिया है। किसे पकड़ लिया? नाम तो होगा कुछ। अरे गुरु जी, उसे तो आप देखते ही पहचान लोगे। अगर ढोलकी के बताता है चुपचाप या फोन में घुस के मारो तुझे अब। अरे गुरुजी, वही पहलवान का लड़का जो आपको इससे गंदी गंदी गालियां देता है, वो है। पकड़ के रखना उस मोटे के लौंडे को, आज उसे सारा हिसाब किताब चुकता करना है। छोड़ना मत साले को। हाँ पकड़ रखा गुरुजी, आप आ जाओ। पकड़ रखा गुरुजी, आप आ जाओ। रुक जाओ। भाई रहने दो, भाई अब से नहीं करूंगा। भाई अब से सबसे पहले टैटू दो साले का। भूतनी के टैटू दबाने को बोला है, गला नहीं बोली। तू स्टार्ट हो जा। अब बोल बे झंडू, ये गंदी गंदी गालियां भी बता मेरे छत से तू। भाई मुझे तो मजा आता है। अबे तो मुझे ही क्यों बकता है? क्योंकि मेरे पापा और आपके पापा दोस्त है। अगर आपने मुझे कुछ कहा तो फिर मैं अपने पापा से बोलूंगा, फिर मेरे पापा आपके पापा से बोलेंगे, उसके बाद जो आपका होगा वो तो भगवान ही जाने। भाई ये तो बहुत बड़ा मादरजात निकला। गाली नहीं, गाली नहीं बेटा, गाली नहीं। इसका क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। नंगा करो साले को। अच्छा अब मैं तेरा भाई हो गया? और जब से गंदी गंदी गालियां दे रहा था, नंगा करो साले को जल्दी। अगर तूने गाली दी ना, तो अब की बार तेरे बदन पे एक अच्छा भी नहीं बचेगा, समझा? ध्यान रखी। भाई इसे वाली बकरा है, अगर देखते क्या हो, पकड़ो साले को।